हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम। मैं आज आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डेसिमल प्लेस टू का उपयोग बताऊंगा। कैसे देते हैं डेसिमल प्लेस पॉइंट, ये मैं आपको बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये नेम है, डिपार्टमेंट है, बेसिक है, और ये कुछ लोगों के नाम दिए हुए हैं। ये डिपार्टमेंट अकाउंट है, सेल है, मार्केटिंग है, अकाउंट है, सेल है, तो सभी का एक देखिए एस यादव। इतना इसका बेसिक जो अमाउंट है उसका 5,700 है। हाउस रेंट अलाउंस HRA मीन्स होता है हाउस रेंट अलाउंस, जिसका अमाउंट है 285 है। ट्रैवलिंग अलाउंस 228 है। DA का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, जिसका 456 है। सैलरी है 5,985। सबका एक अमाउंट दिया हुआ है। तो इसमें सपोज डेसिमल प्लेस टू अगर देना चाहते हैं तो कैसे देंगे, ये मैं आपको बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। तो सबसे पहले क्या करना होगा, सिर्फ हमें अमाउंट को सिलेक्ट करना होगा। ये जैसे ये मनी है, ये रुपीस है, इसको मुझे सिलेक्ट करना हो तो क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इसे सिलेक्ट करें, सिर्फ अमाउंट को सिलेक्ट करें। करने के बाद फॉर्मेट में जाएं, उसके बाद सेल्स में क्लिक करना है हमें। करने के बाद एक फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, फॉर्मेट सेल। यहाँ पे देखें नंबर एक्टिवेट होना चाहिए और कैटेगरी कैटेगरी दिया हुआ। अभी सैम्पल में आप देख सकते हैं इस तरह अमाउंट दिख रहा है। अब इसमें क्या करना है, हमें टू डेसिमल पॉइंट देना है। तो उसके लिए क्या करें, कैटेगरी के ये लिस्ट है, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, सब दिया हुआ है। अब हमें क्या क्या करना है, डेसिमल प्लेस टू देना है। तो यहाँ नंबर पे क्लिक करें, नंबर को सिलेक्ट करें। करने के बाद देखेंगे डेसिमल प्लेसेस, यहाँ एक बॉक्स आ जाएगा, डेसिमल प्लेसेस का बॉक्स आएगा। तो यहाँ पे आप 1, 2, 3, 3 देंगे तो क्या होगा, जो अमाउंट है उसके बाद 0.30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अगर हमें क्या देना है, डेसिमल प्लेस टू, तो यहाँ डेसिमल प्लेसेस में जाकर हमें टू टू को सिलेक्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, हमें ओके कर देना है। जैसे ही हम ओके करेंगे, जैसे कि जो भी हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे, यहाँ देख सकते हैं डेसिमल प्लेस टू दिया है मैंने, तो हमें पॉइंट के बाद 2 0 आ गया, इसी को बोलते हैं डेसिमल प्लेसेस टू। अगर 3 करता हूँ तो देखिए 3 3 0 आ जाएंगे यहाँ पे पीछे में, ये बैक पोर्शन में। तो मुझे कितना करना है, 2 डेसिमल प्लेसेस, ये देखिए। उसके बाद क्या करना, ओके पे क्लिक कर देना हमें। ये देखिए अमाउंट के बाद जो भी अमाउंट है हमारे यहाँ पे, ये टेबल के अंदर, ये टेबल आप देख सकते हैं, सभी के पीछे 0.00 आ गया, 2 डेसिमल प्लेसेस आ गया। देखिए सभी के पीछे ये अमाउंट है, 285 के बाद 0.00 है, तो सभी अमाउंट के पीछे ये 0.2 डेसिमल प्लेसेस हो गया है। जैसे 0.00 देख सकते हैं अमाउंट के बाद, मैंने 2 डेसिमल प्लेसेस कैसे लाना है ये मैंने आपको दिखाया। अगर सपोज हमें डेसिमल प्लेस हटाना है, नहीं चाहिए, तो फिर अगेन इसे सेलेक्ट करें, इस तरह प्लेस सेलेक्ट करना होगा। फिर फॉर्मेट में जाएं, सेल में क्लिक करें, और नंबर जैसा कि पहले मैंने सेलेक्ट किया था, अब जनरल कर दें। तो जनरल करेंगे तो डेसिमल प्लेस हट जाएगा। देखिए सैम्पल में आप देख सकते हैं यहाँ पे, ओके पे क्लिक करें। देखिए सारा का सारा अमाउंट के पीछे जो डेसिमल प्लेसेस टू मैंने लेकर आया था, डाला था इसमें, ये हट गया। फिर से मैं दिखाता हूँ, एक बार फिर देख लें ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए। हमें क्या करना है, ये जो अमाउंट दिया हुआ है, ये सारे अमाउंट्स हैं सभी, ये नेम ऑफ द जो लोग काम करते हैं कंपनी में, कंपनी का एक छोटा सा ये है चार्ट है, तो इसमें अलग अलग सबके नाम दिए हुए, एस यादव, पी प्रसाद, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं सब, और यहाँ पे उनके अमाउंट है, बेसिक अमाउंट ये है, HR इतना है, सैलरी ये है, सब दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसमें डेसिमल प्लेस टू लाना है। कैसे डालेंगे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसे सेलेक्ट करें, इस तरह सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाएं, सेल्स पे क्लिक करें, और यहाँ पे देखिएगा फॉर्मेट सेल्स का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। आपको क्या करना है, कैटेगरी के अंदर नंबर को सिलेक्ट करना है। नंबर को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सैंपल आपको दिखाई देगा, यहाँ पे डेसिमल प्लेस टू देना है। अगर 3 करता हूँ मैं, तो यहाँ पर 3 देखिए 0.30 आ गया, तो मुझे क्या करना है, डेसिमल प्लेस टू देना है। दे दिया मैंने, उसके बाद ओके कर देना है। ये देखिए ये सबके पीछे डेसिमल प्लेस टू आ गया, ये देखिए आप देख सकते हैं 0.00 डेसिमल प्लेसेस टू हो गया। अब इसे हटाना है तो सिंपल टेक्निक है, इसे सेलेक्ट करें, फिर वापस फॉर्मेट में जाएं, सेल और जनरल कर दें, फॉर्मेट सेल का ये डायलॉग बॉक्स के अंदर। नंबर करेंगे तो डेसिमल प्लेस टू यहाँ पे बॉक्स आएगा, जनरल करेंगे तो पहले की तरह से सिंपल जैसा था वैसा हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा।